Hmm. गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हो आप सभी जल्दी से आप सभी लाइव आएंगे और जुड़ेंगे हमारे साथ शिल्पी मैम के साथ और अपनी साइंस वाली क्लास के साथ एक बार आप सभी लाइव आ जाएं ताकि फटाफट फटाफट अपने फटा फटा क्लास को शुरू कर पाए और बच्चे जैसे अपनी क्लास को शुरू कर देंगे उसके बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन वो भी मैं आपको दूंगी है ना तो एक बार लाइव आ जाइए आप सभी गुड इवनिंग गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू चलिए ओके शानदार शानदार चलिए भाई तो यहाँ पर काजल पांडे है तनु है चलिए अनुनिषाद है हैं फटाफट है तो वो सभी बच्चे लाइव आ गए हैं ठीक है थीके? और अगर आप मेरे पूछो मैम आप, आप कैसे आज कैसे क्वेश्चंस कराने वाले हो बच्चे हम प्रीवियस ईयर ही करने वाले हैं और प्रीवियस ईयर हमेशा आपको मैं यही कहती हूँ प्रीवियस ईयर लगा लिया प्रैक्टिस में हमेशा प्रीवियस ईयर लगाओ क्योंकि आपके जो वन डे एग्जाम होते हैं ना वही घिसा पटा सिलेबस है वही घिसा पटा एग्जामर है और वही जो है उसी में से वो क्वेश्चन पूछता रहता है प्रीवियस ईयर से ठीक है तो अगर आप प्रीवियस ईयर लगा के जाते हैं तो ये समझ के चलिए कि आपके आधे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे ठीक है अब मैं आपकी हेल्प क्या करूंगी कि जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं मैं आपको यहाँ पे सारा साइंस वाले पोर्शन में जो है वो एटलीस्ट वो तो मैं करवा दूंगी ठीक है तो आप सभी अगर लाइव आ गए हैं तो हम जल्दी से अपने क्लास को शुरू कर देंगे ठीक है सभी अगर लाइव आ गए हैं चलिए मुस्कान है कीर्ति है चलिए दीपक है तो यहाँ पे सारे आ गए हैं ठीक है चलिए भाई शानदार अनु झा बहुत सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं चलिए तो शुरू करते हैं आज की अपनी पहली क्लास और आ, जो है पहले क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर ठीक है बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन के साथ शुरुआत की है मैंने इसमें देखो 90 प्रतिशत से ज्यादा खेल जाओ पूछा जा रहा है आपसे कि भाई आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बच्चा जो वट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमोस्फियर ठीक है बताइए 78%, 21%, 0.03% या 46% ठीक है चलिए शानदार तरीके से हम्म हम्म तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो आप सब जानते तो नाइट्रोजन है ठीक है सेवेंटी एट परसेंट में क्या है सेवेंटी एट परसेंट में तो अपने पास जो है नाइट्रोजन है ठीक है सेवेंटी एट परसेंट में तो नाइट्रोजन है है ना

अक्की ठाकुर तो आज क्लास तन्नू से शुरू हो रही है और लास्ट में जो नाम आया है दैट इज सोनिया कुशवाहा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन मैम अगला क्वेश्चन आपके सामने है ठीक है चलिए भाई शानदार तरीके से आंसर करेंगे क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है या बताइए भाई जो sound, sound की क्या होती है, loudness होती हो, है है है? वो किस पे करती काजल, सौरभ, रोहित, फटाफट ठीक है इतना टाइम लोगे तो कैसे आंसर कर पाओगे इतना टाइम अगर आप ले रहे हैं तो आंसर कैसे कर पाएंगे तो देखो बच्चों आप सब जानते हैं साउंड के बारे में साउंड जो है आपके सबसे तेज कहा भागते हैं सॉलिड में ठीक है देन बच्चा लिक्विड और देन इस आपका गैस ठीक है तो जो आपके क्या है साउंड है अगर इसके स्पीड की बात करें ठीक है स्पीड की बात करें तो सबसे तेज आपको याद रखना है कहां पे भागेगा सॉलिड में ठीक है यहां पे आपको बताना है कि इसकी लाउडनेस किस पे डिपेंड होती है एम्पलीट्यूड आप बी ऑप्शन यहाँ पे याद रखेंगे एम्प्लीटूड आप यहाँ पे बी ऑप्शन को याद रखेंगे ठीक है जी तो बी के साथ यहाँ पे मैं क्या करती हूँ शो रिजल्ट कर देती हूँ ट्वेंटी वन परसेंट है यहाँ पे अगर दिखाऊं मैं आपको तो लबी गौतम तनु यादव नीलेष और लास्ट में आंसर है आकाश ठीक है चलिए शानदार था ये यहां पे

जो भी आप कोई गेम खेले सुटेबल है जिसमें भी ठीक है और कल भी मैंने ही समझाया था कि आउटडोर गेम ज्यादा खेले पहली बात तो आप फिजिकली फिट रहेंगे सबसे जो जरूरी है वो यही है अब पूछा जा रहा है पसीने का मुख्य कारण क्या है तो यहाँ पर ज्यादातर बच्चे अच्छा पोल नहीं लगा गया चलिए पोल लगा दिया आंसर के लिए पोल नहीं लगाया था आंसर लगा के लिए तो यहां पे balance, body, देखो, अगर हम बात करें थोड़ा थोड़ा काम यहाँ पे है ठीक है अगर ये सारे सारा काम यहाँ पे हो रहा है तो हाँ पसीना ये सारा काम कर रहा है लेकिन मेन क्या है यहाँ पे पसीने पसीना आने का मुद्दा क्या पसीना आता तो ये बात सही है कि जो आपके बॉडी में जैसे आपका जो है टॉक्सिक टॉक्सिक कंपाउंड निकलता है ये सारी बातें सही है लेकिन मेन चीज क्या है बच्चा मेन है कि आपके बॉडी का ताप कंट्रोल करता है ठीक है टेम्परेचर कंट्रोल करता है तो बी ऑप्शन वाले जल्दी से ताली बजा लेंगे अपने लिए क्योंकि आप सभी का सही है एट्टी थ्री परसेंट बालक सही खेल रहे हैं रिचा सतीश सोनिया और लास्ट में आंसर आया संध्या ठीक है बाद में मैं टॉप टेन दिखा दूंगी आपको ठीक है आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कल शायद दो दिन से आप टॉप टेन नहीं देख पा रहे लेकिन आज टॉप टेन याद दिलाना मैं दिखा के जाऊंगी आपको शरीर का निर्माण करने वाला श्रोत है दोर्स दैट क्रिएट्स द बॉडीज एमिनो एसिड फैट ग्लूकोज प्रोटीन बताइए द सोर्स दैट क्रिएट्स द बॉडी ठीक है कौन सा सोर्स है बच्चा जो बॉडी बनाता है ठीक है अगर हम बात करें तो उसे कहा जाता है क्या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर लाइफ ठीक है क्या कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर लाइफ ठीक है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर लाइफ Chica. बताइए किसे कहा जाता है शरीर का निर्माण कौन करता है आपके पूरे शरीर का निर्माण कौन करता है आपसे ये पूछा जा रहा है शानदार तरीके से आंसर कर रहे हैं कि भाई जो है आपके शरीर का निर्माण कौन कर रहा है कार्बोहाइड्रेट नहीं बच्चा प्रोटीन ठीक है प्रोटीन आपके शरीर का निर्माण करता है इसीलिए देखो अब आपका शरीर अगर आप अडल्ट हो गए हैं टीन क्रॉस कर गए हैं तो ना आपकी हाइट बढ़ेगी और ना अब जो है कुछ होने वाला है तो यानी आपके बॉडी की ग्रोथ हो गई है तो आपको प्रोटीन की कम जरूरत है लेकिन वही कोई बच्चा है ठीक है चाइल्ड है ठीक है अब उसके शरीर का निरंतर ग्रोथ हो रहा है मैंने कहा ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है तो एक बच्चे को प्रोटीन की आवश्यकता आपसे ज्यादा होती है ठीक है और सबसे ज्यादा किसे होती है कोई प्रेग्नेंट लेडी है क्यों क्योंकि उसको तो पूरा एक जो है बॉडी बनाना है एक बच्चे के बच्चे का पूरा शरीर बनाना है ठीक है तो यहां पे आपका ग्लूकोज सॉरी प्रोटीन आपका डी ऑप्शन सही जाएगा ठीक है डी ऑप्शन यहां पे सही जाएगा 29% ही सही है जिसमें आकाश सूरज और लवली ब्राउन ठीक है और लास्ट में ट्वेंटी एट पे जो है संजय गुप्ता प्रियंका प्रिंस ठीक है शशांक चलिए शानदार है ठीक है ट्वेंटी नाइन परसेंट ठीक है लेकिन इजी क्वेश्चन था है ना वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर ले जाओगे अगला क्वेश्चन क्या है मैम

11 साल का होगा जब भी टीबी वाला बैक्टीरिया उस पर अटैक करेगा ना उसको याद आ जाएगा कि भाई बचपन में मुझे एक टीका लगा था कि जब कभी जो है टीबी वाला बैक्टीरिया आए तो उससे लड़ाई करना है ठीक है तो यहाँ पे इनका जो है मेमोरी भी साथ साथ हो जाता है क्रिएट तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका शानदार तरीके से सही जाएगा शो रिजल्ट में नाइनटी ताली बचा लो शानदार बहुत अच्छा बहुत अच्छा ठीक है चलिए शिवम ठाकुर तनु और लास्ट में आंसर है कि 103 पर ठीक है तनु आज आपका नाम बहुत बार आ रहा है लग रहा वाईफाई वाईफाई लगवा लिया आपने अपने घर में हाँ शानदार तरीके से अगला क्वेश्चन करो अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया क्या एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड का टाइम देंगे ठीक है छोड़ो हाँ जी इस क्वेश्चन को करिए द क्वनाक होता है सौ डिग्री फेरन हाइट दो सौ बारह पचास दो सौ चालीस डिग्री अगर मैं कहूँ कि डिग्री सेल्सियस में पानी का मतलब होता है जिस पे पानी उबलना शुरू कर देगा तो तुम सभी बता देते मैम सौ डिग्री सेल्सियस अगर मैं पूछ लेती पानी कितने डिग्री सेल्सियस में उबलता है तो कमेंट बॉक्स भर देते आप मैम सो डिग्री सेल्सियस सौ डिग्री सेल्सियस सौ डिग्री सेल्सियस मैंने लगाया दिमाग मैंने कहा डिग्री सेल्सियस में तो अनपढ़ भी बता देगा तुम मुझे बताओ फेर में पानी कितने डिग्री पर उबलेगा चलो जल्दी से आंसर करके बताओ फटाफट आंसर करके बताओ चलो शानदार। हम्म क्या आंसर जाएगा अच्छा ठीक है ओके पोल लगा हुआ भाई पोल तो लगाओ तुम पोल के पीछे ज्यादा परेशान रहते हो ठीक है 212 डिग्री सेल्सियस ठीक है देखो याद रखना पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है ठीक है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उबलता है और जो है 373.15 केल्विन पे उगलता है ये तीनों स्केल आपके एग्जाम में किसी में भी पूछा जा सकता है ठीक है तीनों स्केल याद रखना चलिए तो यहाँ पे सही आंसर क्या है मैम बी ऑप्शन के साथ खेलेंगे यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ शो रिजल्ट कर देंगे शो रिजल्ट करने 55 परसेंट चंदन डेविश मक्की ठाकुर शेखर और लास्ट में आंसर आया किसका यहाँ पे सर्वेश का ठीक है लास्ट में आंसर आया सर्वेश का अगला क्वेश्चन है स्टार पोल के साथ व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ सोडियम ठीक है आपसे पूछा जा रहा है कि जो सोडियम है जिसे एन एस रिप्रेजेंट किया जाता है इसका लैटिन में इसे क्या कहते हैं नेट्रियम कहते हैं अर्जेंटिनम कहते हैं स्टेनम कहते हैं ओरम कहते हैं क्या कहते हैं बताइए जल्दी से हां जी जल्दी 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 किसे जो है हम यहां पर पूछा जा रहा है कि सोडियम को लैटिन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है ठीक है तो देखो बच्चों अर्जेंटिनम की बात करें अर्जेंटम किसे कहते हैं सिल्वर को कहते हैं बच्चा है ना इसीलिए सिल्वर को एजी से रिप्रेजेंट करते हैं स्टेनम बच्चा टिन को कहते हैं इसीलिए टिन को एसेंस से रिप्रेजेंट करते हैं और हम बच्चे गोल्ड को कहते हैं इसीलिए गोल्ड को से रिप्रेजेंट करते हैं नाइट्रियम याद रखिएगा सोडियम को कहते हैं इसीलिए आज तक जो है सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे हैं तो ऑप्शन ए के साथ खेलेंगे आप सभी और शो रिजल्ट करेंगे तो सेवेंटी एट परसेंट बालक अक्की ठाकुर रामराज आकाश और लास्ट में आंसर है नाइनटी ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन मैम अगला क्वेश्चन आपके सामने है ठीक है स्टार्ट पोल है कि रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है ठीक है जल्दी से आंसर करिए कि जो रक्तचाप है ठीक है अब देखो आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार से क्या है इस प्रकार से आपके बॉडी में जो है आप सब जानते हैं इस प्रकार से आपकी बॉडी में दो किडनी है ठीक है इस प्रकार से आपकी बॉडी में दो किडनी है ठीक है और दोनों किडनी के ऊपर अगर हम बात करें यहाँ पर इस फॉर्म में क्या पाई जाती है दोनों किडनी के ऊपर यहाँ पर क्या पाई जाती है एक ग्लैंड पाई जाती है ठीक है दोनों किडनी के ऊपर क्या पाई जाती है ग्लैंड पाई जाती है और उसी ग्लैंड की अगर हम बात करें उसी ग्लैंड का नाम यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा इसी ग्लैंड का नाम होता है बच्चे एडर्नल ग्लैंड ठीक है एडेनल एडेनल ग्लैंड ठीक है और यही एडेनल ग्लैंड क्या करती है आपसे पूछा जा रहा ब्लड प्रेशर ठीक है यहाँ से निकलने वाला जो एडेनल जो है हॉर्मोन होता है वही क्या करता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है ना ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होगा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होगा नॉर्मल बीपी कितना हो जाएगा जी हाँ जी नॉर्मल बीपी कितना हो जाएगा तो आप सब जानते हैं एक सौ बीट बीस बता अस्सी एम एम एच जी ठीक है क्लियर रहेंगे बातें चलिए तो यहाँ पे आपको सही आ, समझ के चलना है कि मैम ऑप्शन ए यहाँ पर सही जाएगा अब अगर पूछोगे कि मैम ब्लड प्रेशर क्या होता है ऐसे नसें होती हैं इसमें खून ऐसे ऐसे बहता है तो बच्चा जो खून इस दीवार पर प्रेशर लगा रहा ना वही ब्लड प्रेशर होता है ठीक है इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए जाएगा शोर रिजल्ट करते हैं सेवेंटी बालक सही है ठीक है और जो है लास्ट में आंसर है एट्टी पर टेक्को का ठीक है टेक्नो अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्या पूछा जा रहा है चलिए आंसर कीजिए कि एंगेस्ट्रॉम इज द यूनिट

मैम आज हम आए थे आप थम्सअप यहाँ पे करते चलेंगे ठीक है थम्स अप क्लिक करते चलेंगे आप सभी चले तो एंगे स्ट्रॉम की अगर हम यहाँ पे बात करें क्या सही आ जाएगा तो बच्चा वेव लेंथ ठीक है वेव लेंथ क्या होती है ऐसे इस प्रकार से एक वेव है ठीक है तो इस पॉइंट को हम क्रेस्ट कहते हैं आप जानते हो और जो नीचे वाला पॉइंट है इसे ट्रफ कहते हैं ठीक है, है? ट्रफ कहते हैं दो कॉन्टिन्यूस क्रेस्ट ले लो ये भी क्रेस्ट है ये भी क्रेस्ट है और यह हम दो कॉन्टिन्यूस ट्रफ की अगर हम बीच के वैल्यू निकाले तो इसी को बच्चों वेवलैंथ कहा जाता है वेवलैंथ को हमेशा याद रखिए लेमडा से रिप्रेजेंट किया जाता है किससे मडा से कुछ इस प्रकार से ठीक है और इसे हम जो है एंगेस्ट्रॉम में विफक्ट करते हैं यानी व्यक्त करते हैं एंगेस्ट्रॉम को इस प्रकार से डिनोट किया जाता है याद रखना एक बराबर कितना होता है मैम? ठीक है एक 10 power, 10 meter, तो ये आपको याद रखना है ठीक है शो रिजल्ट में एटी एट यानी लगभग नब्बे प्रतिशत बालक सही खेल रहे हैं आंसर डेविड अक्के ठाकुर काजल पांडे और बिल्कुल लास्ट में है उत्कर्ष पांडे का यहां सही आया ठीक है चलिए भाई तृप्ति कश्यप शानदार है अगला क्वेश्चन अगला है वाटर दैट डज नॉट वाटर दैट डज नॉट फॉर्म इजीली आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है सॉफ्ट वाटर हैवी वाटर हार्ड वाटर नन ऑफ दिस ठीक है किस पानी में बच्चा जब आप साबुन मिलाएंगे ठीक है तो झाग नहीं होगा चलिए बताइए जल्दी से अलोन जी ठीक है तनु नीलेष विवेक दुबे ठीक है काजल सोनू मुस्कान शौर्या उर्मिला हरेंद्रा नेहा अदिति बबिता चलिए भाई संध्या रुपेश। आंसर यहाँ पे क्या सही जाएगा तो बच्चा याद रखेंगे कि आपका सॉफ्ट वाटर तो वही जो एस टू आपका होता है ठीक है वाटर आपने याद रखना आपका डी टू ओ होता है ठीक है जो हार्ड जल होता है बच्चों इसमें याद रखेंगे मैग्नीशियम वगैरह की इंप्योरिटीज मिली होती है और ये कभी झाग नहीं देती है ठीक है सी ऑप्शन देखो राजस्थान वगैरह में जो बच्चे होते होंगे उनको पता होगा बच्चा वहां पर जो क्या होता है वहां का जो पानी होता है वो क्या होता है वहां का पानी हार्ड वाटर होता है ना खारा पानी जिसे कहते हैं तो देखना वहां के लोग जो कपड़े उपड़े साफ करते हैं वह जो राजस्थान वगैरह के साइड होंगे बच्चे उनको पता होगा कि जो है अच्छे से उनमें क्या होता है कपड़ों में झाग नहीं होता है ठीक है है ना तो 66 पर किंग लवी और डेविल शिवम और लास्ट में आंसर है 64 पर आदर्श ठीक है चलिए शानदार आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्टार्ट पोल करेंगे ठीक है स्टार्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट इन फ्रंट ऑफ आई के सामने भाग क्या होता? है, आपके में एक है? या रेटिना है आंसर करिए जल्दी से ठीक है आपकी आंखों में जो भी चीजें होती है उसमें से पूछा जाना ट्रांसपेरेंट पार्ट कौन सा आके आपका निकल के आएगा अब देखो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है ठीक है लेंस कॉर्निया रेटिना आपसे हर एक पॉइंट से अगर क्वेश्चन बताऊं बच्चा तो देखो लेंस आप सब जानते हैं आपके आंखों में कॉन्वेक्स लेंस है ठीक है कुछ इस प्रकार से ठीक है अच्छा रेटिना पे याद रखेगा इमेज बन के आती है जो भी आप देखते हैं ठीक है कि भाई ये सारी चीजें जितने भी चीजों को आप दिन भर में देखते हैं उन सभी की इमेज रेटिना पे बन के आती है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कॉर्निया ठीक है कॉर्निया याद रखेगा जब कोई अपने आंखें दान करता है यानी डोनेट करता है बच्चों तो अपने आंखों का यही वाला पार्ट जो है वो क्या करता है दान यानी डोनेट करेगा ठीक है चलिए तो यहां पे बी ऑप्शन में बी के साथ जो है आंसर करेंगे सेवेंटी सही है जिसमें से डेविशियोम चंदन और लास्ट में आंसर है किसका 86 सिक्स पर मिथुन वर्मा ठीक है मिथुन वर्मा चलिए आगे चलेंगे अगला आपके सामने है ठीक है तो यहाँ वही चीज देखिए द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ आईज इज कॉल्ड कॉर्निया ठीक है इट कवर्स द प्यूपिल पूरा यहाँ कॉर्निया का डेफिनेशन वगैरह पूरा यहाँ पर लिखा हुआ ठीक है कॉर्निया के बारे में हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वॉट इज द बायोलॉजिकल घड़ी क्लॉक इन ह्यूमन बॉडी ठीक है यहाँ पूछा जा रहा है आपके बॉडी में बायोलॉजिकल वो जो है क्लॉक यानी जैविक घड़ी किस ग्लैंड को कहा जाता है क्या वो पिनियल ग्लैंड को कहते हैं क्या ग्लैंड ग्लैंड को को कहते हैं या अब देखो घड़ी से यानी घड़ी कहीं कही ना कहीं आपका टाइम टेबल बनाती है ठीक है ठीक आपके उठने का आपके जगने का आपके स्कूल जाने का कॉलेज जाने का है ना तो घड़ी क्या करती है एक प्रकार से टाइम टेबल बना रही है ठीक है घड़ी एक प्रकार से टाइम टेबल बना रही है ठीक है डन घड़ी एक प्रकार से क्या बना रही है टाइम टेबल बना रही है तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या जाएगा पिनियल ग्लैंड यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जाएगा ठीक है पिनियल ग्लैंड यहाँ पे ऑप्शन ए सही जाएगा शानदार शानदार तरीके से ठीक है तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जाएगा निकिता शर्मा मिस अंजलि और लास्ट में आंसर यहाँ पे सेवेंटी फोर पे है अंतिमा यादव जी ठीक है तो हमने यहाँ पर सही आंसर किया है पिनियल ग्लैंड कहा पाई जाती है मैम आपके ब्रेन में पाई जाती है कहा पाई जाती है आपके ब्रेन में पाई जाती है चलिए भाई शानदार तरीके से अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है जब हथौड़े से कील को पीटा जाता है तो कौन सी ऊर्जा जो है किस में बदलती है ठीक है बताइए जब हथौड़े पे हम कील को पीटते हैं बच्चा और कील अंदर जाती है तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी एनर्जी किस में बदलती है क्या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदल रही है क्या काइनेटिक जो है हीट में बदल रही है या पोटेंशियल साउंड में बदल रही है नन ऑफ दिस अच्छा क्वेश्चन है इसको बताने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट तगड़ा है ठीक है कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका क्या है तगड़ा है इसको बताने का मतलब यही है ठीक है कि कॉन्सेप्ट सही है आपका चलिए मैं देखूंगी कौन सा बच्चा सही आंसर करेगा शानदार बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं ठीक है हाँ जी जल्दी से तो क्या सही जाएगा तो बच्चे याद रखना यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है में बदल जाती है वो आपका हीट एनर्जी में बदल जाती है अगर किसी ने सही आंसर किया है तो ताली अपने लिए जरूर बजा लेंगे ठीक है ताली अपने लिए हाँ पर जरूर जरूर बजा लेंगे 22 बालक सही है है नाम देखो जरूर. ठीक अदिति बहुत शानदार अक्के ठाकुर पूजा नेहा अनुजा हिमांशु वीरों की धरती शहीदों का देश विजनोर उत्तर प्रदेश एसके गुज्जर आकाश टीका करण परी तनु सूरज गिन्नी शानदार भाई बालक शानदार बहुत अल्टीमेट आंसर

ठीक है चलिए भाई शानदार तरीके से अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्टार्ट पोल कर दिया है जल्दी 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 वास्तु सर्जन किस यंत्र

क्या होगा तुम्हारा चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन है गोली चलाने के बाद बंदूक का पीछे की और, और धक्का मारना ये जो है न्यूटन के कौन से नियम का एग्जाम्पल है ठीक है जैसे हम गोली चलाए ठीक है हालांकि हमने तो कहां ही गोली चलाए हमने देखा मूवीज में ठीक है जब हम देखते हैं कि गोली चला रहे हैं ना और गोली क्या हुई बच्चों गोली सामने से निकल गई ठीक है गोली क्या हुई गोली सामने से निकल गई जैसे ही गोली निकली ठीक है जैसे ही गोली निकली गोली चलाने वाला यूं पीछे हो गया ठीक है तो जो वो पीछे हुआ वहां पे क्या हुआ वहां पे मैम एक्शन रिएक्शन लॉ हो गया यानी यहाँ पे जो है न्यूटन थर्ड लॉ है ना अच्छा भाई किसी ने ओम्स लॉ तो नहीं लगा दिया हाँ जी किसी ने इसके कोई चौथे नियम के साथ तो नहीं खेला है हाँ न, जो है ओम्स लॉ के साथ तो कोई नहीं चला गया हाँ जी <laughs> देखा जाए क्या चलो तो देखो तो ओम स्लॉ किस कौन कौन ओम स्लॉ पे गया है जरूर देखेंगे दो प्रतिशत गए हैं माय ड्रीम केदारनाथ और संदीप ने यहाँ पे सही आंसर दिया है ओम स्लॉ पे ठीक है चलो भाई है ना ये जो तुमने किया ना इसे गलती नहीं कहेंगे ठीक है इसे पाप कहते हैं बच्चा है ना और इसका इसकी माफी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी हालांकि जो बच्चे सही आंसर कर रहे थे उनका उनका जो है सेवेंटी सही था ठीक है ओके okay, नाम फिर से जो है हमारे किताबों में दर्ज हो हमेशा हमेशा के लिए संदीप द ग्रेट संदीप और माई ड्रीम केदारनाथ है ना चलो भाई तो ये आपको याद रखना ओम्स ओम्स लॉ लॉ भाई साहब क्या हो जाएगा वोल्टेज बराबर करंट इनटू रेजिस्टेंस ठीक है ये कहाँ चला जाएगा फिर आ जाओ अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगला है कि लौह के ऊपर जिंक की परत को चढ़ाने को क्या कहा जाता है भाई थका हुआ क्वेश्चन अगर मैं कहूं केमिस्ट्री का थका हुआ कोई क्वेश्चन है ना मैं तुम्हें बायो के कई क्वेश्चन थके हुए पढ़ाए हैं लेकिन केमिस्ट्री का कोई थका हुआ क्वेश्चन पूछोगे ना वाला है बच्चा वाला केमिस्ट्री का थका हुआ क्वेश्चन और तुम्हें क्या बताऊं और तो मैं आपको क्या बताऊं क्या क्या गलना सुनना करे आपसे चलिए आंसर है आपके पास गल्बनाइजेशन या आपका जो है इलेक्ट्रॉन प्लेटिंग अरे मैम गल्बनाइजेशन हिंदी में बच्चा इसे यशद ले लेपन कहेंगे ठीक है हिंदी में इसे यशद लेपन कहेंगे ठीक है भाई शानदार तरीके से आंसर करिए हाँ और जितने बच्चे आएंगे वो क्या करेंगे वो भाई यहाँ पर हम सब करते चलेंगे एट सेवन एटी सेवन पर मिस अंजलि डेबल काजल पांडे और लास्ट में है वन जीरो एट पे प्रशांत चलिए भाई अगला क्वेश्चन और भाई यहाँ पे करते चलेंगे आप ठीक है यहाँ पे आप जो है थम्स अप भी करते चलेंगे अगर आपको क्लास अच्छी लगे वॉट कलर डाटा इज गिवन टू इंसर्ड ठीक संकट ग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है ब्लैक ब्लू रेड ग्रीन हाँ जी बताइए संकट ग्रस्त का मतलब क्या है कहने का मतलब है कि जैसे बच्चों की उनकी कुछ ही गिनती के वो कुछ बचे हैं ठीक है ठीके? और वो बहुत जल्दी विलुप्त हो जाएंगे कहने का मतलब कि कि वो संकट के कगार पे हैं आज उनकी कुछ जातियां हैं लेकिन कल वो सारे खत्म हो जाएंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर वो संकट में है कि आज है कल रहे ना रहे कोई पता नहीं है तो ऐसे जो जानवर होते हैं उनके बारे में रेड डेटा बुक में खा जाता है ठीक है यहां पे आपका सी ऑप्शंस आएगा ठीक है सी ऑप्शन इज राइट हियर सी ऑप्शन इज राइट हियर ठीक है चलिए 72% डेविल है यहाँ पर अकी ठाकुर हैं काजल पांडे हैं और लास्ट में आंसर आए 85 पर निशु यादों चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है अगले में है कि इसमें से कौन सा विद्युत का उत्पादक है जनरेटर गैल्वेनोमीटर या एमीटर या जो है हाइग्रोमीटर कौन सा है बच्चों जो आपसे पूछा जा रहा है किसका इलेक्ट्रिसिटी का जो है प्रोड्यूसर है ठीक है बताइए कौन सा है जो खुद से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट कर सकता है 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 एमीटर एमीटर हाइग्रोमीटर या जनरेटर ठीक देखो अगर हम बात करें हाँ पे और से तो क्या होता है बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट ठीक है करंट को मेजर किया जाता है है ना करंट को मेजर किया जाता है स्मॉल करंट है तो गेलवनोमीटर का यूज करते हैं ठीक है लेकिन अभी आपसे पूछा जा रहा है कि जो है किससे प्रोड्यूस

लास्ट में यहां पर है सौर्या ठीक है चलिए अगला है आपके सामने फटाफट फटाफट फटाफट

ठीक है किस ऑप्शन के साथ जाए कम से कम ऐसे क्वेश्चन को हम पांच बार पढ़ेंगे प्रेशर में आके ऐसे को हम वहां पांच बार पढ़ेंगे चलिए किस ऑप्शन के साथ हम्म बी के साथ मैम सी के साथ मैम डी के साथ मैम अरे 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 ठीक है तो यहां पर बच्चों याद रखो कि जो फ्यूज वायर होगा ना उसका रेजिस्टेंस तो बहुत ज्यादा होना चाहिए ठीक है कि कितना भी तेज यहाँ पे तो जो है करंट आ जाए वो उसको क्या करे रजिस्ट कर जाए ठीक है और जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होना, होना चाहिए वो क्या होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बच्चों ठीक है वो वहां पर आपका क्या होना चाहिए जो है एक सेकंड हाई रेजिस्टेंस है ना हाई रेजिस्टेंस हाँ हाई रेजिस्टेंस और जो है यहाँ पर आपका लो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए ठीक है सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जाएगा ठीक है चलिए एक सेकंड एक सेकंड मैंने कुछ गलत लिख दिया है क्या एक सेकंड फ्यूज वायर है ना तो हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए एंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए ठीक है मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए यहां पर हाई होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर आपका जो है क्या आंसर आ जाएगा ठीक है मैम आप गलत आंसर पे टिक नहीं लगाए देखो गलत आंसर पे टिक मैं तभी लगाती हूँ ठीक है गलत आंसर पे टिक मैं तभी लगाती हूं कि जब तुम्हें दिखाना होता कि आंसर तो हो ही नहीं सकता और तुम तब भी उसके साथ खेल जाते हो ठीक है वहां पे तुम तब भी उसके साथ खेल जाते हो तो यहां पे क्या हो जाएगा आप एक सेकेंड मुझे थोड़ा सा पढ़ने दो कि इज द द स्पेशली ऑफ फ्यूज हाई रेजिस्टेंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट ठीक है चलिए सी ऑप्शन ही सही जाएगा यहाँ पे ठीक है सी ऑप्शन आपका सही जाएगा ठीक है नहीं नहीं यहाँ पे लो रेजिस्टेंस नहीं हाई रेजिस्टेंस जाएगा ठीक है हाई रेजिस्टेंस यहाँ पे आपका सी ऑप्शन आपका सही जाएगा सी के साथ जितने बच्चे गए उन सभी का सही रहेगा 33 थ्री परसेंट यहाँ पे सही रहेंगे प्रशांत ठीक है और यहाँ पे पांडे जी रामराज तनु यादव अनुषा दीपक और लास्ट में यहाँ पे 34 पर कौन सा रहेगा पूजा रानी ठीक है पूजा रानी चलिए भाई शानदार तरीके से खेलेंगे है ना भाई तुम कर देते हो मुझे भी चलिए अगला क्वेश्चन करिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा बायोगैस का प्रमुख घटक है जल्दी से बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस हिलियम मिथेन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी। कौन सा है तो बच्चा मीथेन ठीक है याद रखिएगा मीथेन को ही मार्श गैस भी कहा जाता है इसे ही मार्श गैस भी कहा जाता है ठीक है इसे ही बच्चों याद रखिएगा धान के खेत में मैंने बहुत बार बताया कि धान के खेत में यही गैस पाई जाती है ठीक है और क्या होता है जो मिथेन गैस आपकी जो दलदली क्षेत्र होते हैं जहां पर थोड़ी सी नमी ज्यादा होती है दलदली इलाका होता है वहां पर गैस हमेशा ज्यादा पाई जाती है तो बी ऑप्शन आपका मिथेन गैस यहाँ पे सही जाएगा ठीक है मिथेन यहाँ पे आपका सूर्य रिजल्ट के साथ सही जाएगा नब्बे प्रतिशत डेबीशियो मिसमानी काजल पांडे और लास्ट में यहाँ पर जो है एक सौ पर कौन है अंतिमा यादव है ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे और बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है कौन सा फोर्स है जो हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है ठीक है कहोगे मैम अरे ये तो मैम दूसरा फोर्स होता है अरे भाई यहाँ पे आपको फिज, फिजिक्स में बताना है अपने जीवन लाइफ में नहीं बताना है ठीक है आपको बताना है कौन सा बल है जो हमेशा आकर्षित करता है कभी आपने उसका जो है आ, बात करें तो हमेशा उसका आकर्षित बल ही देखा होगा कभी उसका विकर्षित बल नहीं देखा होगा हाँ जी क्या आंसर जाएगा बच्चा ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या करता है अट्रैक्ट करता है तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन जाएगा शो रिजल्ट में और 83 थ्री परसेंट यहाँ पर लवी नेहा काजल पांडे और लास्ट में यहाँ पे है एक वन पर क्या है डिफेंस ठीक है चले भाई आइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्या है अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या हो जाएगा कि किसे भविष्य की धातु कहा जाता है इज द मेटल ऑफ फ्यूचर ठीक है आपसे कहा जा रहा है कि भविष्य की धातु हम किसे कहते हैं टाइटेनियम हाइड्रोजन प्लेटिनियम यूरेनियम किसे हम भविष्य की धातु कहते हैं ठीक है ए ऑप्शन ठीक है बी ऑप्शन बी के साथ खेल रहे हैं? है ना तो देखो बच्चों हाइड्रोजन को हम बिल्कुल यहाँ पे आप याद रखिए कि हम इसे क्या कहते हैं इसे हम जो है क्या कहते हैं इसे हम फ्यूचर फ्यूल कहते हैं ठीक है फ्यूचर फ्यूल कहते हैं लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे हम मेटल पूछा गया है ना और हाइड्रोजन क्या हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है तो जो यहाँ पर बी आंसर बता रहे हैं ना वो अपने आप को थप्पड़ जरूर लगाएंगे ठीक है कि भाई अभी तक बचपन से लेकर आज तक हम मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाए यहाँ क्वेश्चन मेटल के बारे में पूछा गया है तो आंसर आएगा टाइटेनियम ठीक है आंसर आएगा ऑप्शन ए टाइटेनियम ठीक है चलिए शो रिजल्ट करेंगे ए ऑप्शन के साथ फिफ्टी फाइव परसेंट यहाँ पे सही खेल रहे हैं दैवी श्योम प्रशांत सिमानी ठीक है और लास्ट में आंसर है सेवेंटी पर आकाश सिंह ठीक है आकाश सिंह अगले जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अगला आपके सामने है कि BCG व्हाट हैपन व्हेन यू स्टॉप यूजिंग अ बैंक ठीक है BCG आपसे पूछा जा रहा है कि जो है टीके का उपयोग रोकथाम के लिए किया जाता है किसके बचाव के लिए BCG का टीका लगाया जाता है दो से तीन मिनट पहले ही मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया था कि BCG का टीका हम किसके लिए लगाते हैं इसका आंसर मैंने दो से तीन मिनट पहले ही कर दिया था अगर आपको याद हो है ना चलिए किसका उपयोग करते हैं बच्चा बी का टीका लगाने के लिए शानदार तरीके से बताइएगा अरे मैम है जो टीवी रोग होता है ठीक है याद रखिएगा एक बैक्टीरिया से होता है डज अ ट्रेन स्टॉप सडनली जब अचानक से ट्रेन रुकती है तो आदमी आगे की साइड झुक जाएगा ठीक है जब अचानक से एक सिंह क्लास रुक गई सर आप क्या करके आए क्लास रुक गई चल गई शायद वापस से है ना चल गई ना चलिए तो यहाँ पे आपको याद है ना बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि रीजन क्या, हो तो क्या होता है बच्चों ट्रेन चल रही है तो ट्रेन की स्पीड में होता है ट्रेन अचानक से रुकती है तो वो आगे जाने की कोशिश करता है तो हमेशा आगे की तरफ वो झुक जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जाएगा ठीक है बी ऑप्शन यहाँ पे सेवेंटी लबी गौतम अखिलेश अदिति कीर्ति और लास्ट में आंसर है 59 पे संदीप कुमार अगला क्वेश्चन मैम अगला है

आंसर जो सही जाएगा डी फॉर डंकी यस बिल्कुल सूरज ठीक है तो यहां पे आपका सही आंसर डी फॉर डंकी और डंकी मीन क्या हो जाएगा सूरज <laughs> चलिए तो डी ऑप्शन यहां पे हम्म यहाँ पे डी आपका शो रिजल्ट करने पे सही जाएगा 92 परसेंट शानदार है मिस अंजलि अक्की ठाकुर और लास्ट में आंसर है यहाँ पर जो है 82 ठीक है तो देखो ऐसे क्वेश्चन का एटी टू परसेंट आया है तो ये आप कहीं ना कहीं ये जो है मेरे सामने आप दिखा देते हैं कि मैम देखो ये जो भगवान ने हमें दिया था मैम इसको मैंने थोड़ा बहुत खोल लिया अभी पैक नहीं है ये ठीक है इसको मैंने थोड़ा बहुत ओपन कर दिया है ठीक है ये दर्शाता है ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है वट इज द पी वैल्यू ऑफ माउथ ठीक है आपसे कहा जा रहा है पी

जो क्या है पीएच है तो यहाँ पे आंसर आपका ए ए जाएगा 6.5 ठीक है ए ऑप्शन जाएगा या तो स्लाइटली एसिडिक होगा या स्लाइटली बेसिक हो सकता है ठीक है मेनली यही रहता है ठीक है तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन ए ऑप्शन आपका शो रिजल्ट में सही जाने वाला है 92% अक्की ठाकुर दैविल वीरो की धरती और जो है बिपिन सिंह ठीक है आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बाद में हम आपको टॉप टेन जरूर दिखाएंगे अगला क्वेश्चन है लाइट इज मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस प्रकाश के किस कलर में ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है फोटोसिंथेसिस में आप सब जानते हैं कि पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं ठीक है पेड़ पौधे अपना क्या करते हैं खाना बनाते हैं मुझे लगता हमने है हमने पांचवी क्लास में सबसे पहले यह पढ़ा था पांचवी क्लास में हमने शायद प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा था कि पेड़ पौधे अपना खाना कहाँ से बनाते हैं सूर्य की रोशनी

है झा ने बताया था अनु निषाद ने डी बताया था अमित ने भी बताया सिद्धार्थ ने भी बताया काजल पांडे ने बताया ऑप्शन सही जाएगा ठीक है अब कोई पलटेगा नहीं ठीक है डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जाएगा चालीस प्रतिशत तो बालक सही हैं नीचे से देखना शुरू करते हैं ठीक है संतोष है मधुमिता है, है, तो है, हाँ है? है? हाँ है बच्चा आपके सामने अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई वेच ऑफ द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन ठीक है निम्न में से पहला गणना यंत्र कौन सा था फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी थी यहाँ पे अवेकस

ये जो गोलियां है ना इनको जोड़ने के लिए यहीं से काउंट करते थे ठीक है आंसर यहाँ पे क्या सही चला जाएगा आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही चला जाएगा ठीक है ए के साथ खेलेंगे भाई बच्चा पार्टी ए आंसर ठीक है ए फॉर अलग सर बहुत शानदार ठीक है ए फॉर अलग सर ठीक है और 78% अमन ठीक है किंग और जो है लास्ट में यहां पे आंसर आएगा आपका क्या 130 पे ठीक है 130 शानदार भाई बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप सभी अगला क्वेश्चन आपके सामने है जल्दी से वॉट इज द मोलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ शुगर गन्ना चीनी का आणविक सूत्र क्या है बच्चा बताइए आप सब जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स ठीक है याद रखना यही शुगर आपके फ्रूट्स में पाई जाती है ठीक है तो फलों की अगर फल पूछे फलों की चीनी का मुझे बताओ सूत्र क्या है तो ये लिख देना लेकिन बात करें गन्ने में कौन सी शुगर पाई जाती है सुक्रोज ठीक है कौन सी सुक्रोज पाई जाती है बच्चों और सुक्रोज में याद रखना क्या होता है C12 ही H जो है यहाँ पे आपका क्याज जाएगा एक सेकंड एक सेकंड C12 S22 और यहाँ पे H, जो है O11 आपका यहाँ पे जो है ऑप्शन एक सेकंड गलत हो रहा है एक सेकंड मुझे देखने दो तो, C6 नहीं ये तो देखो ग्लूकोज पाया जाएगा ठीक है ये ग्लूकोज का हो जाएगा ठीक है ये ग्लूकोज का हो जाएगा यहां आएगा सी टू यहाँ पे आपका आएगा सी ट्वेल्व और यहाँ पे जो है लगाएंगे बारह चौबीस लगाएंगे यहां पर ठीक है और यहाँ पे ट्वेल्व अब सही है ठीक है अब सही है ठीक है तो अब यहाँ पे ए ऑप्शन सही जाएगा ठीक है ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक था ऑप्शन अगर सही करेंगे ठीक है अगर ऑप्शन सही करेंगे तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही जाएगा ठीक है ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जाएगा ठीक है चलिए तो यहाँ पे ए ऑप्शन के शोरिजल्ट करेंगे फोर्टी सिक्स परसेंट बच्चों का सही है वीरों की धरती है ठीक है मिस अंजलि है और लास्ट में आंसर यहाँ पर आएगा क्या क्रेजी स्टेटस किंग है ठीक है चलिए ओके क्लियर चलिए आइए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है ठीक है स्टार्ट पोल करेंगे अगले क्वेश्चन में जल्दी से आएंगे ठीक है अगले क्वेश्चन में जल्दी से आएंगे अगला क्वेश्चन है कि यूनिट सेक्ट ठीक है सेक्ट नहीं आएगा कुछ गलत टाइप कर रखा है ठीक है पूछा जरा हर्ज किसकी इकाई है हर्ज किसकी इकाई है बताइए फ्रीक्वेंसी की नंबर ऑफ रिवल्यूशन की दाब की या नन ऑफ दिस की जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए कि इसमें कौन सा हर्ज की इकाई है हर्ज की इकाई क्या है जल्दी 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 हर्ज की इकाई क्या है जल्दी से हर्ज हर्ज की इकाई क्या है बच्चा ठीक है तो आप सब जानते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर क्या है फ्रीक्वेंसी है इसकी इकाई क्या हो जाएगी हर्ज हो जाएगी दाब की बात करें तो दाब यानी प्रेशर प्रेशर की इकाई आप सब जानते हैं पासकल है ठीक है पासकल तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपका सही जाएगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे जब हम यहाँ पे ए ऑप्शन के साथ शो रिजल्ट करेंगे तो कितने बच्चों ने सही आंसर किया नाइनटी शानदार भाई मामला गिरा दिया तुमने सिस्टम है कर दिया है कमल है शिवम है अक्की ठाकुर है और लास्ट में आंसर है यहाँ पर कितना अलका कुमारी लास्ट में आंसर है

चलिए ठीक है दो नंबर के क्वेश्चन यहाँ से हर एक एग्जाम में बनते हैं तो आर यू रेडी गाइस फॉर दिस सेशन अभी जो है लाइव होगा ये सेशन ठीक है आप लोगों के लिए उठाया है ठीक है वहाँ का भी एक ट्रिक उठाया है दया भाभी से रिलेटेड है वो ट्रिक तो इसमें हम बहुत शानदार ट्रिक के साथ मजे के साथ करेंगे ठीक है तो आप सभी मिलिए मेरे से दो मिनट में इसी चैनल पर ठीक है दो मिनट में मैं इसी चैनल पर लाइव आ रही हूँ उसके बाद हम टॉप टेन देखेंगे ठीक है उसके बाद हम टॉप टेन देखेंगे ठीक है तो थैंक यू सो मच अभी मैं मिलती हूं दो मिनट में कहीं नहीं जाना है और इसको जाके जल्दी से नोटिफाई करिए दो मिनट में मैं लाइव आ रही हूं आपके सामने ठीक है तो थैंक यू सो मच थैंक्स टू ऑल ऑफ यू अगेन ठीक है चलिए सर